हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन का यूनिट 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। 8051 इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रक्शन ऑफ 8051 इंस्ट्रक्शन। कह रहा 8051 जो है माइक्रो कंट्रोलर, उसमें कह रहा है कौन सा जो है इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होता ही है, बुलियन इंस्ट्रक्शन भी होता है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन भी होता है, ये तीनों होता है इंस्ट्रक्शन 8051 में होता है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है इंस्ट्रक्शन 8051 में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, द ऑपरेशन परफॉर्म बाय डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आर ऑन। करा जो इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म किया जाता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का, वो बिट डेटा पे भी किया जाता है, बाय डेटा 16 बिट डेटा सभी पे किया जाता है, ऑल ऑफ द मेंशन ऑप्शन डी हो जाएगा, टू का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वाइल एग्जीक्यूटिंग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जब आप डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है, जब आप डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन सा जो है सही है। बोथ ऑपरेंड्स कैन बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रजिस्टर ऑपरेंड, दोनों जो ऑपरेंड्स होगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रजिस्टर ऑपरेंड्स होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द इंस्ट्रक्शन डेट चेंज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन आर। कह रहा ऐसा इंस्ट्रक्शन जो क्या करता है, चेंज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज करता है, उसको हम लोग कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ये कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन 2 टाइप का होता है, कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो ध्यान में रखिए, जो ऐसा इंस्ट्रक्शन जो क्या करता है, एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज करता है, उसको हम लोग कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये 2 टाइप का होता है, कंडीशनल और अनकंडीशनल, तो 4 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आर डिवाइडेड इनटू, आ गया 2 टाइप का होता है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, 2 टाइप का होता है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, 5 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, द कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन चेक ए बिट कंडीशन विच इंक्लूड्स एनी बिट ऑफ बिट एड्रेसेबल रैम, बिट एड्रेसेबल SFRS, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है ना, ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन द इमीडिएट डेटा कैन बी एन ऑपरेंड फोर। तो नन ऑफ एबव हो जाएगा, कह रहा है इन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में द इमीडिएट डेटा डेट कैन बी एन ऑपरेंड फोर, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द सिंबॉल एड्रेस 16 ADDR 16 रिप्रेजेंट द 16 बिट एड्रेस विच इज यूज बाय द इंस्ट्रक्शन टू स्पेसिफाई द, क्या स्पेसिफाई करने के लिए यूज करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ कॉल और जंप, कॉल या फिर जंप का डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए जो है ADDR 16 का यूज किया जाता है, 16 बिट एड्रेस का यूज किया जाता है कॉल या जंप के डेस्टिनेशन को एड्रेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एड्रेस रजिस्टर फॉर स्टोरिंग द 16 बिट एड्रेस कैन ओनली बी, ऐसा एड्रेस रजिस्टर जो क्या करता है 16 बिट एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज करता है, उसको हम लोग डेटा पॉइंटर बोलते हैं, डेटा पॉइंटर, 9 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इंस्ट्रक्शन ADDAR7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंस्ट्रक्शन ADD मीन्स एड ए R7 इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो है रजिस्टर इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, ADD एड
A, R7 मीन्स R7 का जो कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड करना है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर में आएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एड्रेसिंग मोड इन विच द इंस्ट्रक्शन हैज नो सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड इज, करा ऐसा एड्रेसिंग में जिसमें इंस्ट्रक्शन में ना तो सोर्स और डेस्टिनेशन, इन विच द इंस्ट्रक्शन है जिसमें इंस्ट्रक्शन का क्या होगा, ना सोर्स ऑपरेंड होगा ना डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा, तो ऐसे एड्रेसिंग मोड को क्या बोलते हैं, रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग बोलते हैं, रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग ऐसे को बोलते हैं। 11 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, करा देखिए कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, तो कह रहा इसमें से कौन सा जो है अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो JNC जो है ये अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नहीं है, 12 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, द 8051 हैज दैट 16 बिट काउंटर टाइमर, कितना होता है, तो दो 16 बिट टाइमर होता है, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, ये दोनों जो है आपका 16 बिट टाइमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, द 8051 कैन हैंडल डैश इंटरप्ट सोर्स, 8051 जो है कितना जो है इंटरप्ट सोर्स को हैंडल करता है, 5 इंटरप्ट सोर्स को हैंडल करता है, 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 है, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन विल मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 3 टू एक्यूमुलेटर, रजिस्टर 3 के कंटेंट को जो है एक्यूमुलेटर में मूव करना है, रजिस्टर 3 के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में मूव करना है, जैसे मूव ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है, बी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में मूव करते, उसी तरह कह रहा है विल मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 3 टू एक्यूमुलेटर, तो क्या हो जाएगा, मूव ए कॉमा आर 3 मीन्स रजिस्टर 3 का कंटेंट को एक्यूमुलेटर में मूव करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन विल मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर 6, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को रजिस्टर 6 में मूव करना है, तो मूव R6, A मींस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किस में मूव करना है, रजिस्टर 6 में मूव करना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विच व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू लोड द माइक्रो कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, डॉट हैक्स का यूज किया जाता है, जीरोज और वंस का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसके लिए डॉट हैक्स मींस हेक्साडेसिमल के लिए डॉट हैक्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर, कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम काउंटर को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो कॉल एंड जंप इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम काउंटर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैक वंस आफ्टर द सिंबल अंडरगोज द रीसेट कंडीशन, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है स्टैक का कितना होता है, एक बार जब जो है ये वंस ऑफ द सिस्टम अंडरगोज द रीसेट कंडीशन, जब रीसेट कंडीशन में जाता है उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू जो है स्टैक का कितना होता है, तो 07H होता है, H मींस हेक्साडेसिमल, 07H होता है, ऑप्शन 19 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रक्शन फाइंड इट्स यूटिलिटी इन लोडिंग द डेटा पॉइंटर विद 16 बिट इमीडिएट डाटा, किसका यूज किया जाता है, मूव का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टाइमर इज एट्रीब्यूटेड टू द रजिस्टर पेयर ऑफ RCA P2H एंड RCA P2L फॉर कैप्चर मोड ऑपरेशन, इसके लिए टाइमर 2 का यूज किया जाता है, टाइमर 2, ऑप्शन सी हो जाएगा, RCA P2H और RCA P2L के लिए टाइमर 2 इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, टाइमर 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 है, व्हाट डज द सिंबल हच रिप्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा हच 55H, तो कह रहा है ये जो हच है इसका मतलब क्या है,
तो इसका मतलब इमीडिएट डेटा टाइप, मतलब इमीडिएटली जो है डेटा को जो है मूव करना है, हच लगा हुआ है, मतलब इमीडिएट डेटा टाइप को शो करता है। 22 का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 22 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।